Assalamualaikum and a very warm welcome to all of you. I am Wajiha from Peshawar Moral Boys 3. Today we have experiment day and our experiment is about what dissolves in water. चूँकि हम dissolves की बात कर रहे हैं और water में क्या क्या चीज़ें dissolve हो रही हैं इसके एक्सपेरिमेंट है, तो इस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ताकि मैं जो वर्ड्स यूज़ करूँगी उसके आपको वो जो है वो वर्ड्स वो क्लियर होते जाएँ कि ये क्या है और किस तरह से ये काम कर रहा है। बॉयज़, आपके डेली रूटीन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप लोग यूज़ कर रहे हैं और वो कोई एक सिंपल चीज़ से बनी नहीं है, बल्कि वो बहुत, क्योंकि आपके डेली यूज़ में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो सिंपल एक चीज़ से नहीं बनी, वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं। अब हम उनको देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जो है वो सॉलिड ही हो, वो लिक्विड ही हो या वो गैस ही हो, वो दो लिक्विड और सॉलिड भी हो सकता है, वो गैस और लिक्विड भी हो सकता है। और बॉयज़, अगर आप आपने नोट किया हो तो मैं कुछ टर्म्स यूज़ करें, मैं कुछ वर्ड्स यूज़ करूँ, सॉलिड लिक्विड गैस, ये क्या चीज़ें हैं भाई? दिस इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं। मेरे पास यहाँ पर बॉटल ऑफ वाटर है, इसका अपना एक वेट भी है और इसने टेबल पे स्पेस भी लिया हुआ है। चूँकि इसका वेट है और इसने स्पेस लिया है, सो इट इज़ कॉल्ड मैटर। मैटर की थ्री स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन स्टेट्स हैं मैटर की, सो हम कह सकते हैं कि आपकी सराउंडिंग में जितना कुछ है वो मैटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि एयर, आपके जो इर्द गिर्द कुछ चीज़ ऐसी है जो इनविजिबल है, जो कि एयर है, वो भी कोई एक चीज़ से मिलकर नहीं बनी बल्कि बहुत सी गैसेस से मिलकर बनी है। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर्स हैं जिसमें आप सांस ले रहे हैं। क्योंकि ये एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बन रही है, इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं, बहुत सी गैसेज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, इससे इनको मिक्सचर कहा जाता है। इसी तरह से जो आप मिनरल वाटर पीते हैं या आप कोला ड्रिंक्स पीते हैं, जिस तरह से 7-Up है, पेप्सी है, कोक आ जाता है, वो भी डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, उनका मिक्सचर है। उनमें शुगर होता है, वाटर होता है, फूड कलर है, टेस्ट है, और इवन कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसके अंदर होती है। लेकिन वो जब इस बॉटल में चली जाती है आपको एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ही नज़र आता है, हर एक चीज़ उसमें आपको अलग अलग नज़र नहीं आती। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ही ट्रांसपेरेंट। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, कुछ मिक्सचर्स ऐसे भी बन जाते हैं जिसमें वाटर का कलर ही टोटली चेंज हो जाता है और वो बिल्कुल जो है उसी चीज़ का कलर ले लेते हैं जिसमें आप उसको डाल रहे हैं। जिस तरह से जामिश्री है, जैसे आप वो वाटर में डालते हैं उसका फूड कलर उस वाटर को रेड कर देता है, या ऑरेंज के टैंक्स वगैरह जो हैं वो जिस फ्लेवर का आप टैंक डालती हैं और जिस कलर का टैंक डाल रहे होते हैं वो वाटर में जाके उसी कलर को जो है वो वाटर का कलर में उसमें चेंज कर देता है। साइंटिस्ट ने एक क्लासिफिकेशन की है आपकी आसानी के लिए और स्टडी को बेहतर बनाने के लिए, और वो क्लासिफिकेशन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में डिसॉल्व हो रही हैं, यानी वो पानी में हल हो जाती हैं, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में हल नहीं होती। चूँकि अब दो कैटेगरीज बन गई हैं तो साइंटिस्ट ने उसको क्लासीफाई कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया है। अब जो चीज़ डिसॉल्व होगी उसको वो नाम देता है सॉल्युबल का, कि ये वाटर में सॉल्युबल है। जो चीज़ वाटर में डिसॉल्व हो रही है उसमें हल हो जाती है, उसने उसको सॉल्युबल का नाम दिया। अब वो वाली चीज़ जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वाटर में वो डिसॉल्व नहीं हो रही और वो उसके बॉटम में जाके या बैठ जाती है या उसकी सरफेस के ऊपर तैरने लग जाती है, लेकिन वो पानी के अंदर नहीं जाती, वो अपनी जगह पानी में नहीं बना रही, सो इट इज़ कॉल्ड इनसॉल्युबल। ये ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ वाटर ही में हो, कोई और भी लिक्विड ही ऐसा हो सकता है जिसमें ये इनसॉल्युबल हो। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने दो चीज़ें, दो डिविजन्स बनाई, दो क्लासेस बनाई, एक में उसने सॉल्युबल को रखा और दूसरे में उसने इनसॉल्युबल को रखा। अब मेरे पास आपके लिए कुछ चीज़ें हैं जिसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं
पल्सेस यानी डिफरेंट किस्म की जो हैं वो दालें, हमारे पास हैं एलम्स फटकड़ी, इसके अलावा हमारे पास है स्टार्च निशास्ता, सॉल्ट जिसको हम टेस्ट करेंगे कि ये वाटर में जो है वो सॉल्युबल है या नहीं, बेकिंग सोडा जो आपके किचन में आम यूज़ होता है, इसके अलावा मेरे पास जो है वो है शुगर और ऑयल। क्या ये सारी चीज़ें डिसॉल्व हो सकती हैं या नहीं हो सकती, इसके अलावा है स्टोन्स। नाउ बॉयज हम वन बाय वन करके इसको टेस्ट करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि हाउ मच टाइम इट टेक टू डिसॉल्व। और ये हमारे पास ये सारे सब्सटेंसेस हैं जिसको हमने वाटर में डिसॉल्व करना है, इसके अलावा हमें स्टिरर्स चाहिए जिससे हम इसको स्टिर करेंगे, और हमारे पास कुछ कंटेनर्स हैं जिसमें इसका टेस्ट किया जाएगा, और हम लेंगे टैप वाटर जिसमें हम इनको डिसॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये हमने इन सारे के सारे सब्सटेंसेस को, इन सारी चीज़ों को वन बाय वन करके इसमें डिसॉल्व करना है और हमने देखना है एंड में इसका रिज़ल्ट। और वो रिज़ल्ट हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ सॉल्युबल है वाटर में और कौन सी चीज़ सॉल्युबल नहीं है वाटर में। अब आपको जैसे मैंने बताया है कि हम वन बाय वन एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट इसमें है शुगर, हम सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो है हर एक कंटेनर में लेंगे, सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सारे कंटेनर्स में जाएगा। फर्स्ट हम शुगर लेंगे। अच्छा बस चूँकि मैं मिक्सचर बनाने जा रही हूँ, इसमें मैं एक चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा लूँगी और दूसरी चीज़ की क्वांटिटी में कम लूँगी। लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वाटर ज़्यादा लूँगी और यहाँ पर जितने सब्सटेंसेस पड़े हैं वो कम लूँगी। चूँकि मैं वाटर ज़्यादा ले रही हूँ और ये कम ले रही हूँ, तो साइंटिस्ट ने इसको भी एक नाम दिया है, जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होगी यानी वाटर जो मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी उसको सॉल्वेंट कहेंगे, और सॉल्ट और शुगर ये सारी चीज़ें मैं लेस यूज़ करूँगी इसको सल्यूट कहेंगे। सॉल्वेंट और सल्यूट का मिक्सचर जो है वो हम बनाने जाएंगे, सॉल्वेंट और सल्यूट का मिक्सचर जो है वो हम बनाने जाएंगे। इसमें सल्यूट जो है वो कम होता है, सॉल्वेंट वो ज़्यादा होता है क्वांटिटी में चाहिए होता है। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो जाएँ, तब इस ये मिक्सचर बनाती हैं। और मिक्सचर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिस जब ये वाटर में डिसॉल्व होंगी वो कहलाएगी सॉल्यूशन, जब ये वाटर में डिसॉल्व होगी वो कहलाएगी सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं वन बाय वन करके ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रही हूँ। सो सॉल्वेंट वाटर लिया और इसमें हमने शुगर को ऐड कर दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब मैं एटलीस्ट फॉर 30 सेकेंड्स इसको डिसॉल्व करूँगी। ये तो आजकल समर डेज हैं, मामा आपके लिए घर में जूसेस भी बना रही हैं, आप ख़ुद भी अपने लिए जूस बना रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि शुगर वाटर में डिसॉल्व होगी या नहीं होगी, इसका तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। और अब आप देख लें कि मेरे पास शुगर जो है वो कंटेनर में कम्प्लीटली जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है और वाटर में ये डिसअपियर हो गई है। अगर मैं वाटर को टेस्ट करूँगी तो ये वाटर स्वीट होगा, इसमें इसकी प्रेजेंस है, अगरचे वो वाटर आपको नज़र में नहीं आ रहा, वो शुगर आपको इसके क्रिस्टल्स नज़र नहीं आ रहे। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, चंद चीज़ें ऐसी हैं, चंद सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो डिसॉल्व नहीं होते, बाकी की ज़्यादातर चीज़ें जो है उसमें डिसॉल्व होती हैं। अब सॉल्ट, अब जानते हैं सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होती है या नहीं। जैसे ही मैं इसमें सॉल्ट डालती हूँ, सबसे जो फर्स्ट डिसॉल्व होने वाली चीज़ है वो सॉल्ट है, विद इन अ सेकेंड फ्यू सेकेंड्स जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। सबसे क्विक जो रिएक्शन होता है, सबसे क्विक जो डिसॉल्व होने वाली चीज़ होती है वो सॉल्ट है।
इसलिए पानी जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं, वो जहाँ जहाँ से पानी गुजर रहा है वहाँ की ज़मीन में जितने भी मिनरल्स हैं सॉल्ट्स हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होके जो है वो आपके पास आ जाते हैं। टैप वाटर में बहुत से सॉल्ट्स जो हैं वो मिनरल्स वो शामिल होते हैं, वो कोई सिंपल वाटर नहीं है बल्कि वो मिनरल्स का मिक्सचर होता है जिसको आप पी रहे होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाटर में जाके वाटर का कलर चेंज कर देती हैं और उसके बाद उसके बॉटम में बैठ जाती हैं। हमारे पास निशास्ता, ये स्टार्च है। स्टार्च बिल्कुल आटे की तरह होता है, जैसे कि आटा जो है अगर आप पानी में डालेंगे ना तो वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, बल्कि क्योंकि उसके पार्टिकल वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते तो वो बॉटम में बैठ जाते हैं। फॉर द टाइम वो जैसे ही मैं वाटर में इसको डालूँगी ये वाटर को मिल्की कर देगा, उसका कलर जो है वो चेंज कर देगा, वो इट टर्न्स मिल्की इन द वाटर। जैसे ही मैं स्टार्च को वाटर में डालूंगी इट टर्न्स मिल्की, लेकिन ये स्टिल वाटर में डिज़ोल्व होने वाला नहीं है। थोड़ी देर जैसे ही मैं इसको रख दूंगी इसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। आई होप कि इस एक्सपेरिमेंट के एंड तक इसके पार्टिकल्स अगर नीचे बैठे हुए हों तो वो मैं आपको यहाँ पर शो करूँगी। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा कि वाटर का कलर जो है वो चेंज हो गया है, ये मिल्की हो गया है। और कुछ वक्त के बाद जो है इट विल सेटल डाउन। मेरा स्टिरर जो है लिटिल बट मेसी हो रहा है, उसको मैं इसमें ज़रा क्लीन कर दूँ। ये ज़रा स्टिकी होता है, आसानी के साथ खुलता नहीं है। अब देखिए इस टाइम वाटर जो है वो मिल्की हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रखूँगी थोड़ी देर के बाद जो स्टार्च के पार्टिकल्स हैं निशास्ते के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। अगर आपको मैं कैमरे के नज़दीक लेके आऊँ तो यहाँ पर देखेंगी इसके पार्टिकल्स जो है ना वो इस तरह से आपको अलग अलग नज़र आ रहे हैं। आई होप कि वो आपको कैमरे में इस टाइम क्लियरली नज़र आए। ये इस तरह से पार्टिकल्स इसकी अलग अलग जो है वो नज़र आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जो है ये सेटल डाउन हो जाएगा और फिर मैं आपको ये दिखा दूँगी। इसके बाद हमारे पास हैं एलम्स। एलम्स फटकड़ी को कहते हैं और इसका हम टेस्ट करेंगे कि ये वाटर में डिज़ोल्व होती है या नहीं होती। थोड़ी सी फटकड़ी हम लेंगे और उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। थोड़ी अमाउंट है, ये सल्यूट है, ये ज़्यादा अमाउंट में है, ये सॉल्वेंट है। वाटर में मैंने इसको डाला, एटलीस्ट 30 सेकंड्स के लिए इसको स्टर करना है, एटलीस्ट 30 सेकंड्स के लिए इसको स्टर करना है। एलम्स की बहुत सी यूजेज हैं, मेडिसिनल यूज़ भी है इसका, बहुत मुफीद चीज़ भी है ये। अब आप वाटर देखेंगे, ये वाटर में कम्प्लीटली डिसअपीयर हो गई है। सो इट मीन्स के एलम्स आर सॉल्युबल इन वाटर। एलम्स जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल है, ये कम्प्लीटली डिसअपीयर हो गई है। अब हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं हैं, अब हम उनका टेस्ट करेंगे। मेरे पास है कुछ पल्सेस गाने, ठीक है बॉस, हाँ आपके घर में यूज होती हैं। हम देखते हैं कि ये वाटर में सॉल्युबल है या नहीं। मैं इसको स्टिर करूँगी, ये आपके पास रिजल्ट आ गया, कोई पल्स भी डिजॉल्व नहीं हुई, एज इट इज वो बॉटम में रही। अगर तो ये पल्सेज वाटर में डिजॉल्व होती तो आपकी मम्मा जब आपके लिए दालें बनाती हैं वो कभी इसको ना भिगोती, वो चावल कभी ना भिगोती अगर तो ये डिजॉल्व होते। अगर डिजॉल्व होती तो फिर तो वाटर में वो भिगोए ही ना जाते, डायरेक्ट पकाई जाती। चूँकि पल्सेज
डिफरेंट किस्म की पल्सेस और राइस, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, इनको सिर्फ सॉफ्ट करने के लिए वाटर में जो है वो डाला जाता है, ठीक है। तो ये इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपके घरों में यूज़ होता है, जब मामा आपका खाना रोटी बनाती है तो उसमें बेकिंग सोडा डालती है, या फिर वो जब केक बेक करती है तो उसमें बेकिंग सोडा यूज़ होता है। डिफरेंट पर्पसेस के लिए किचन में जो है वो बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। मैं दूसरा कंटेनर ले रही हूँ, इसमें हम बेकिंग सोडा डाल के इसका टेस्ट करते हैं कि ये बेकिंग सोडा जो है वो वाटर में सॉल्युबल है या वाटर में सॉल्युबल नहीं है। मैंने बेकिंग सोडा वाटर में डाला, स्टिर किया और सारा का सारा बेकिंग सोडा जो है वो डिसअपियर हो गया, क्विकली डिसअपियर हो गया बेकिंग सोडा वाटर में। सो इट मीन्स के बेकिंग सोडा इज सॉल्युबल इन द वाटर, इट डिसअपियर्स इन द वाटर, कोई पार्टिकल जो है वो इसका नहीं रहता, क्विकली जो है वो डिजॉल्व हो जाता है। सो दिस इज सॉल्युबल। और बॉयज़, अब आपका क्या ख्याल है कि अब अगर हम इसमें, अच्छा बॉयज़, अब मैं वाटर जो है वो उसमें ऑयल डालूँगी। अब ऑयल मैटर की कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट है। अब लिक्विड इनटू लिक्विड जाएगा। आपके क्या ख्याल है कि वाटर में ऑयल जो है वो सॉल्युबल है या नहीं? क्या बता सकते हैं कि वाटर जो है वो, उसमें जब मैं ऑयल डालूँगी तो क्या वो डिसॉल्व करेगा इसको? मैं थोड़ी देर के लिए इस सोडा वाटर को मैंने हटा दिया सामने से, ताकि आपको ऑयल वाला कंटेनर क्लियरली नज़र आए। मैं इसमें स्मॉल कंटेनर में ऑयल मिक्स करने जा रही हूँ। ये मैंने इसमें ऑयल मिक्स किया, स्टिर किया। अब हम देखेंगे कि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर के बीच में अपना स्पेस बना रहे हैं, कि ये बॉटम में बैठ रहे हैं, क्या रिज़ल्ट आ रहा है इसका। अगर आप कैमरा इसको क्लियरली दिखा सके तो ये सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसने वाटर के बीच में कोई स्पेस नहीं बनाई, अपने लिए कोई जगह नहीं बनाई, बल्कि वो सरफेस के ऊपर ही फ्लोट कर रहा है। इट मींस के ऑयल्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। चूँकि ऑयल सॉल्युबल नहीं है वाटर में, तो इट डजेंट मीन कि ऑयल किसी चीज़ में भी सॉल्युबल नहीं है। ऑयल्स दूसरे ऑयल्स के अंदर जो हैं वो बहुत आसानी के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, क्योंकि उनकी नेचर एक जैसी है। ऑयली चीज़ें ऑयली चीज़ों में ही मिक्स होती हैं, वो वाटर में मिक्स नहीं होती, ठीक है। तो ऑयल दूसरे ऑयल्स में मिक्स हो जाता है। इसी तरह से जब आप ओशंस पे जाते हैं, किसी बीच पे जाते हैं, या बहुत दूर की बात छोड़ें, आपके स्कूल का अपना जो बोटैनिकल गार्डन है उसका जो फाउंटेन है, उस फाउंटेन के अंदर हमें बहुत से स्टोन्स जो हैं वो हमने डाले हुए हैं। मैं इस स्टोन्स के ऊपर वाटर डाल रही हूँ, क्या इसमें कोई स्टोन ऐसा है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है? कोई स्टोन ऐसा नहीं है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो, वो एज इट इज़ रहता है। सो इट मीन्स के स्टोन्स आर नॉट डिसॉल्युबल, नॉट सॉल्युबल इन द वाटर। तो हमारी एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन जो है वो क्या रहा? हमारे एक्सपेरिमेंट्स के का जो, हमने इतने चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया और देखा, कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी थीं जो वाटर में डिसॉल्व हुई, कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी थी जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हुई, वो एज इट इज़ जो है वो रही हैं। चूँकि वो एज इट इज़ रही हैं, इसलिए उनको कहा जाता है इनसॉल्युबल। वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हुई, वो एज इट इज़ रही, वो इनसॉल्युबल है। और जो चीज़ें वाटर में डिसॉल्व हो गई हैं उनको सॉल्युबल कहा गया। ये थी क्लासिफिकेशन का थीम। अच्छा बॉयज, अब वो वाली चीज़ें जो वाटर में डिसॉल्व हुई वो सॉल्युबल थी। हमने दो दो चीज़ों का मिक्सचर बनाया, हम चूँकि दो चीज़ों का मिक्सचर बना रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड द मिक्सचर। और वो वाली चीज़ें जो दो आपस में मिल के डिसॉल्व हुई, इट इज़ कॉल्ड द सॉल्यूशन। अब हमारे पास सॉल्यूशंस में क्या बना? शुगर का सॉल्यूशन बना, सॉल्ट का सॉल्यूशन बना, एलम्स का सॉल्यूशन बना, बेकिंग सोडा का जो है वो सॉल्यूशन बना। अगर मैं आपको दिखाऊं, स्टार्च कम्प्लीटली नीचे बैठ चुकी है। मैं कैमरे में आपको ये दिखाऊंगी, इसके बेस में अगर ये
विजिबल हुआ तो वो नज़र आएगा, वो स्टार्च बैठ चुकी है, इट मीन्स कि इट इज़ नॉट सॉल्युबल। इसी तरह से पल्सेस जो थी वो बॉटम में रही हैं, इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन द वाटर। इसी तरह से हमारे पास जो था वो ऑयल था जो सरफेस के ऊपर ही फ्लोट करता रहा, इट इज़ इनसॉल्युबल इन द वाटर। इसी तरह से हमारे पास स्टोन्स हैं, दे आर नॉट सॉल्युबल इन द वाटर, दे रिमेन्स एज इट इज, सो दीज आर इनसॉल्युबल। ये है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की कैटेगरी, और ये हमारे आज के एक्सपेरिमेंट के बारे में था। आई होप कि आपने आज के एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ समझ ली होगी कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो सकती हैं और उनको सॉल्युबल कहा जा सकता है, और कौन सी चीज़ें वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकती और उनको इनसॉल्युबल कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।